भारत आ रही एमवी कैम प्लूटो जहाज पर जिस ड्रोन से हुती विद्रोहियों ने हमला किया था उसका पता लग चुका है। ये ड्रोन हुतियों को ईरान से मिला था। ईरान में बने इस ड्रोन का नाम है शहीद 136। कहीं ना कहीं अमेरिका की कही बात सही साबित होती दिख रही है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन कोस्ट गार्ड ने ड्रोन के विंग्स के रूप में साक्ष्य बरामद किए हैं जो हमले में जलकर खाक हो गए थे। सूत्रों से पता चला है कि ये विंग्स शहीद 136 के हो सकते हैं। ये वही घातक ड्रोन है जिसे रूस ने यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल किया था और अब इसे हुती लाल सागर में कमर्शियल शिप्स के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक तरह का सुसाइड ड्रोन होता है। शहीद 136 ईरान एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल कंपनी द्वारा विकसित एक सटीक हमला करने वाला हथियार प्रणाली है। इसकी खूबियों को देखा जाए तो ये घातक सुसाइड ड्रोन 2021 से ईरानी सेना के साथ सेवा में है। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में उपयोग करने के लिए इसी शहीद 136 अनमैन एरियल व्हीकल का आयात किया था। रूस द्वारा इस ड्रोन को गेरान 2 या गेरानियम 2 के रूप में पुनः ब्रांड किया गया। शहीद 136 ड्रोन 3.5 मीटर लंबा और 2.5 मीटर चौड़ा है। इसका वजन 200 किलोग्राम है। इसे डेल्टा विंग आकार के साथ डिजाइन किया गया है जिसके सिरों पर फिक्स रडर्स हैं। ये ड्रोन 40 किलोग्राम तक हथियार ले जा सकता है और इसे सैन्य या वाणिज्यिक ट्रक से स्थापित और लॉन्च किया जा सकता है। ये ड्रोन अधिकतम 185 किलोमीटर प्रति घंटा की गति हासिल कर सकता है और दावा किया जाता है कि इसकी मारक क्षमता 2500 किलोमीटर है। हालांकि इस घातक ड्रोन को हुतियों के हाथ में देना बड़ी भूल साबित हो सकती है, मगर हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट की बात की जाए तो जिस वक्त एमवी कैम प्लूटो पर हमला हुआ उस वक्त 2 ईरानियन जहाज इसके करीब पाए गए थे। एमवी साविज जो कि 100 समुद्री मील दूर था और एमवी ऑर्टेनो कैम प्लूटो से 280 समुद्री मील की दूरी पर था। हालांकि आगे की जांच के लिए मलबे को पुणे के फोरेंसिक विभाग में भेज दिया गया है। वहीं हुतियों को सबक सिखाने के लिए भारतीय नौसेना अरब सागर और लाल सागर में सुपर एक्टिव हो गई है। एक के बाद एक कई जहाजों की तैनाती वहां कर दी गई है। INS कोलकाता, INS कोची, INS मोरमुगाव, INS चेन्नई और INS विशाखापट्टनम पांचों गाइडेड मिसाइल विध्वंसक लाल सागर में तैनात किए जा चुके हैं। बड़ी बात यह है कि इन विध्वंसक में ब्रह्मोस लैंड अटैक मिसाइल तैनात की गई है। भारत आ रहे एमवी कैम प्लूटो पर हमला करके हुतियों ने भारत से गलत पंगा ले लिया है। भारत लगातार जांच कर रहा है। देखना यह होगा कि भारत का अगला कदम क्या होता है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।